यूपी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। एसटीएफ यूपी में ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एसटीएफ गुनहगारों और मददगारों की पूरी लिस्ट बना रही है। कल जो योगी ने लिखा वो आज योगी ने कह भी दिया, यूपी में अब नकल माफिया न घर के रहेंगे न घाट के। लेकिन सवाल इस बात का लेकर है कि आखिर ये पेपर लीक फैक्ट्री कौन चला रहा है, पेपर लीक का प्लान कैसे बना, मास्टरमाइंड कौन था, प्लान एग्जीक्यूट कैसे हुआ, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में समझिए। क्यों बार बार पेपर लीक हो जाता है? कैसे पेपर मोबाइल पर पहुंच जाता है? अगर फर्स्ट पाली में नहीं हुआ तो फिर सेकंड पाली में कैसे लीक हो जाता है? यूपी पुलिस की भर्ती बोर्ड परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन सबके जहन में सवाल है कि पर्चा लीक कैसे होता है, कहां से होता है, लूपोल्स कौन सा होता है, और वो कौन सा मोमेंट होता है जब पर्चा लीक होकर के नकल माफिया और फिर कुछ अभ्यर्थियों तक पहुंचता है। यूपी के पेपर लीक मामले का सबसे बड़ा सबूत आपकी स्क्रीन पर है। ये यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा का वही वायरल पेपर है जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए शेयर किया जा रहा था। पेपर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखा है, इसमें सवाल भी है, सवाल के ऑप्शन भी हैं और सही जवाब भी। पेपर लीक के इस केस में कुछ ऐसे सैंपल भी हैं जिनमें सवाल नहीं सिर्फ जवाब है, जिसे उत्तर कुंजी कहा जाता है। 2019 के बाद से बात करें तो हर साल औसतन 3 पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। ये मामले किसी एक स्टेट या फिर एक लोकेशन से नहीं है, बल्कि पेपर लीक के केसेस देश के करीब करीब हर स्टेट से सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में 3, हरियाणा में 2, राजस्थान में 7, गुजरात में 3, महाराष्ट्र में 2, कर्नाटक में 2, उत्तराखंड में 4, मध्य प्रदेश में 5, तेलंगाना में 5, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 1, बिहार में 3, झारखंड में 1, ओडिशा में 1, उत्तर प्रदेश में 1 का मामला सामने आया है। पेपर सिर्फ सरकारी नौकरियों के ही आउट नहीं होते, पेपर हर एग्जाम के लीक होते हैं, फिर चाहे वो बच्चों के बोर्ड हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट हो या फिर सरकारी नौकरी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पर्चा हर एग्जाम का कभी न कभी लीक हुआ है। सवाल यह है कि पेपर लीक की फैक्ट्री आखिरकार कौन चला रहा है? पेपर लीक के लिए पहले कागजात बाहर लाने पड़ते थे, हाथों से लिखकर पेपर को कॉपी करना पड़ता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण यह काम बस एक मोबाइल और एक क्लिक से हो जाता है, क्योंकि एग्जाम के पेपर छपने से लेकर एग्जाम होने तक एक लंबा वक्त होता है। इस दौरान पेपर मोबाइल वाले कई इंसानों के टच में आता है। पेपर लीक की मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए क्वेश्चन पेपर की जर्नी को समझना होगा। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी के जरिए एग्जाम के लिए एक पैनल बनाया जाता है। यह पैनल पेपर सेट करने के लिए सब्जेक्ट्स के सीनियर टीचर्स का सिलेक्शन करता है। सिलेक्टेड टीचर्स एग्जाम के लिए अपने अपने सब्जेक्ट के सवाल तय करते हैं। फाइनल पेपर कमेटी की निगरानी में हाथ से साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखवाया जाता है। इसके बाद टाइपिंग और प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। यूपी में जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर दावा किया जा रहा है कि पेपर टाइपिंग और प्रिंटिंग के बीच लीक हुआ है। पेपर, चूंकि आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं, पेपर कैसे लीक हो सकता है? सर देखिए, पेपर दो तरह से लीक होता है। एक होता है पेपर जब सेंटर पे आ जाते हैं, तब पेपर से शुरू होने से पहले आधा घंटा पहले, 15 मिनट पहले, उस तरह से पेपर लीक होता है। और ये जो पेपर लीक हुआ है, ऐसा उदाहरण पूरे भारत में पहले कहीं नहीं है। हमने बहुत पेपर लीक की घटनाएं देखी अलग अलग राज्यों में। ये पेपर लीक, हस्तलिखित पेपर जो ओरिजिनल बनता है, ये लीक हुआ, जिसके कारण 24 घंटे पहले पेपर लोगों के पास पहुंच गया। तो मैं आपको ये थोड़ा सा प्रोसेस समझाऊंगा सर। जैसे हम लोग ये प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, इसका एक तरीका होता है, ऐसे पेपर बनता है कि 4 सब्जेक्ट है, चारों विषय के टीचर होते हैं, अपना अपना अलग अलग लिख के दे देते हैं हैंड रिटन, फिर वो एक जगह कहीं किसी ने अच्छी राइटिंग में कॉपी किया है और वहां से जाता है टाइपिंग के पास। तो इसी बीच में उन्होंने हैंड रिटन लिख के दिया, फिर एक जगह पूरा पेपर कॉपी हुआ,
वहां से जो टाइपिंग के पास गया, इसी बीच में पेपर कहीं से इसके फोटो खींचे गए, क्योंकि हैंड रिटन ओरिजिनल राइटिंग में पेपर है, बहुत ही साफ राइटिंग में। इवन अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गई, जैसे कोई नरसंहार शब्द है वो गलत हो गया, उससे त्रुटि हो गई है, तो उसको काट के सही किया गया है। ऐसा तभी होता है कि जब किसी ने ओरिजिनल पेपर वाले ने ही वो पेपर बनाया हो, क्योंकि लीकर को कोई मतलब ही नहीं है कि छोटी मोटी मिस्टेक होगी वो काट के ठीक करेगा, किसी के पास उतना समय ही नहीं होता है। तो ये पेपर जो कंपनी है उस स्तर से जड़ से जांच होगी, तब पता चलेगा पेपर लीक कहां से। विवेक कुमार दिल्ली में एग्जाम पुर नाम से अपना कोचिंग सेंटर चलाते हैं। इनका दावा है कि यूपी पेपर लीक का मामला सबसे पहले इन्होंने उठाया, जिसके बाद सीएम योगी का आदेश आने पर परीक्षा को रद्द किया गया। विवेक से यूपी एसटीएफ की टीम एक राउंड की पूछताछ कर चुकी है, 26 फरवरी को दूसरे राउंड की पूछताछ होगी। विवेक का दावा है कि उनके पास पेपर लीक से जुड़े कई सबूत हैं, जिनको वो एसटीएफ को सौंपेंगे। पहले आपको लग रहा है कि ये पेपर लीक हुआ है, इसके अलावा कहाँ कहाँ चांसेस हो सकते हैं? सर, इसके अलावा जैसे इस बार पुलिस की व्यवस्था थी तो मुझे और कहीं का तो कोई चांस नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसी कोई खबर नहीं आई कि सेंटर से लीक हुआ हो, ऐसी और कोई खबर नहीं आई कोई पेपर पहले खुला हो। ये पेपर वहीं से लीक हुआ है और फिर उत्तर कुंजी भी वहीं से बनी है सारी की सारी, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैंने आपको सारे सबूत दिए, तो उसमें ए बी सी डी ऑप्शन है। सर, किसके पास इतना समय कि वो फिगर बनाएगा पेपर लीक करने वाला? फिगर बनाने का, डायग्राम बनाने का किसी के पास समय नहीं होता। तो सुंदर डायग्राम बनाए, सुंदर डायग्राम तभी बनेंगे जब पेपर ओरिजिनल हाथ से लिखा गया हो, क्योंकि हम लोग ऐसे डायग्राम बनवाते हैं, ऐसे डायग्राम आपको देखेंगे, हम लोग ऐसे डायग्राम बनवाते हैं, आप यहां पे देख पा रहे हैं, हम लोग ऐसे डायग्राम ये वाले डायग्राम लीक हुए हैं, तो इतने साफ और ऐसे ही कि ऐसे पूरे के पूरे वर्ग में बंद, तो ये तो ओरिजिनल पेपर ही लीक हुआ है, क्योंकि पेपर लीकर थोड़े ना किसी चीज को वर्ग में बंद करेगा, उसके पास उतना समय नहीं होता। विवेक जो कुछ कह रहे हैं वो उनका दावा है, सच का पता यूपीएसटीएफ लगाएगी। यूपीएसटीएफ जिस रूट से पेपर लीक हुआ उसी रूट से इस मामले को सुलझाएगी। अब पेपर का आगे का ट्रेल समझिए। फाइनल पेपर के पहले टाइपिंग और डिजाइनिंग का काम होता है, इसके बाद फिर पेपर को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। पहले यह काम सरकारी प्रेस को दिया जाता था, अब प्राइवेट कंपनियों को भी प्रिंटिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है। जहां भी ये पेपर छपता है उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम गुप्त रखा जाता है। पेपर प्रिंट होने के बाद पेपर को जिला कोषागार में रखवाया जाता है। एग्जाम की डेट से एक दिन पहले कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाया जाता है। डीएम की देखरेख में हर सेंटर की संख्या के हिसाब से पेपर का बंडल बनाकर सील किया जाता है, फिर मजिस्ट्रेट ड्यूटी के हिसाब से सेंटर्स पर पेपर पहुंचाते हैं। एग्जाम सेंटर पर तैनात स्टैटिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पेपर का सील बंद लिफाफा खोला जाता है। पेपर खोलने की टाइमिंग का भी एक प्रोटोकॉल बनाया गया है। ज्यादातर परीक्षाओं में सुबह 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक पेपर को सेंटर तक लाया जाता है। इसके बाद परीक्षा केंद्र पर तैनात अधिकारी के सामने सुबह 9 बजे पेपर का लिफाफा खोला जाता है। देखो, पेपर सेट के लिए जो भर्ती बोर्ड है वो अलग अलग विशेषज्ञों से कई तरीके के पेपर के सेट वो मांगता है, लेकिन वो किसके पेपर को फाइनल करेगा ये किसी को नहीं पता रही होता, ये तो एक सीक्रेट होता है। हो सकता है उसने शुरुआत में 20 सेट किसी से मंगवाए हों या 20 अलग अलग तरीके के प्रश्न पत्र बनवाए हों, और उसके बाद वो बोर्ड के ऊपर होता है, भर्ती बोर्ड के ऊपर होता है कि कौन से सेट को फाइनल करता है, और वही सेट जब फाइनल होता है तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। अब जहां छपने के लिए जाएगा, छपने के बाद जब वो फाइनल हो जाएगा और एग्जाम से ठीक पहले वो ट्रेजरी में या बैंक्स में पहुंचाया जाता है, और उसके बाद वो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचता है, तो एग्जामिनेशन सेंटर जो दूर होते हैं, सुदूर होते हैं, वहां हो सकता है वो एक रात भी पहले पहुंच गया हो, तो वहां से भी पेपर आउट होने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि पेपर को ट्रैवल करना पड़ता है इतने बड़े प्रदेश में, और एक जगह से छपाई होती है और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो कहीं ना कहीं तो बहुत ऐसे गैंग एक्टिव होते हैं जिन्हें पता है कि कमजोर कड़ी कहाँ है, और वो उस कमजोर कड़ी की पहचान करते हैं। मैंने जैसे भी कहा था कि सेंटर्स जो दिए गए हैं वो कॉलेजेस भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, गवर्नमेंट भी हैं या कॉलेज भी हैं, तो वहां भी प्रबल संभावना है कि वहां से भी पेपर जो है वो आउट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्टेप पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। पेपर छपने से लेकर सेंटर पहुंचने तक हर स्टेज को फुल प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण पेपर लीक केसेस बढ़ रहे हैं। सरकार ने जो कार्रवाई प्रारंभ की है, प्रारंभ में भी की थी, अब फिर एक बार और कार्रवाई हम लोग करने जा रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि हम लोग तकनीक का उपयोग करते हैं तो हम लोगों के समान ही वे तत्व भी तकनीक का उपयोग करने लगते हैं,
कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वे लोग भी अगर सकारात्मक सोच रखते तो संभवतः गलत काम नहीं करते, अच्छी दिशा में आगे बढ़ते, खुशहाल का जीवन व्यतीत करते। लेकिन अब वे न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है उसके पास भी मोबाइल होता है, जो पेपर वाली वैन का ड्राइवर होता है उसके पास भी मोबाइल होता है, जो वैन का सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके पास भी मोबाइल होता है, एग्जाम सेंटर पर जिसे हैंडओवर होता है उसके पास भी मोबाइल होता है, जो पेपर का लिफाफा सील करता है, जो लिफाफा ओपन करता है, मोबाइल हर जगह होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेपर लीक का कोई फिक्स पैटर्न हो। पेपर हर जगह से आउट करवाया जाता है। माफिया दिन रात पेपर आउट करवाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। जहां मौका मिलता है, जहां तुक्का फिट बैठ जाता है, खेल वहीं से हो जाता है। हमने पेपर लीक को लेकर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाने वाले कई एक्सपर्ट्स से बात की। सबने यही कहा कि पेपर लीक किसी फिक्स पैटर्न से नहीं होता, कभी प्रिंटिंग प्रेस से, कभी एग्जाम सेंटर से, तो कभी होम सेंटर होने पर रिश्तेदार भी नकल और पेपर लीक के खेल में शामिल होते हैं। बच्चों से या जो लोगों को बात करते हुए सुना है, देखिए सीधी सी बात है, कोई भी जैसे एग्जाम जब पेपर बनाया जाता है तो पेपर बनाने में दो तीन स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो यह है कि जो क्वेश्चन बना रहा है, अगर मैं क्वेश्चन बना रहा हूं तो या तो मैं लीक कर सकता हूं या फिर मैंने जिसको क्वेश्चन कलेक्ट करके दे दिए। दूसरा पर्सन वो होता है जिसके पास सारे चीज़ों के क्वेश्चन आ गए, या तो वो लीक कर सकता है। तीसरा, फिर जहां वो पब्लिश होने गया, तीसरा स्टेप आया कि जहां वो छपने गया, या तो वहां से लीक हुआ। और चौथा जो हुआ वो वहां से हुआ कि उस पेपर के छपने के बाद सेंटर्स तक या आयोग तक आने के बीच का जो गैप हुआ। यानी कि जो चार स्टेप्स हैं, चार लेयर्स हैं, इन चार लेयर्स में से ही कहीं ना कहीं लूप होता है। और ज़्यादा जो चांसेस हैं सर, मुझे लगता है कि शायद छपने के बाद और आयोग तक या सेंटर्स तक पहुंचने के बीच में ये चीजें ज्यादा होती हैं। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज वेबसाइट की हेडलाइन तक पेपर लीक की फैक्ट्री को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। योगी के विरोधी पेपर लीक में वोट ढूंढ रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी और योगी के मंत्री कह रहे हैं यूपी में अब पेपर लीक फैक्ट्री को योगी जमींदोज करेंगे, नकल माफिया के इस नेक्सस को योगी इतिहास बना देंगे। पहले दिन से संकल्प लिया था कि नियुक्ति की प्रक्रिया अगर ईमानदारी पूर्वक आगे नहीं बढ़ पा रही तो ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है और अपनी प्रतिभा को पलायन करने के लिए मजबूर करता है। ये एक राष्ट्रीय पाप है अगर युवा के साथ अन्याय होता है तो। और जो भी पहले दिन से हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के जीवन और उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करेगा, हम लोग भी जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना करके उन तत्वों से उतनी ही सख्ती और कठोरतम तरीके से निपटने का काम करेंगे जो हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस करेगा। यूपीएसटीएफ ने नकल माफिया पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। जिस रूट से पेपर लीक हुआ पुलिस उसी रूट की डिटेल निकाल रही है। यूपी पुलिस और एसटीएफ ने 15 फरवरी से अब तक 287 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड मोनू मलिक और कपिल की जोर शोर से तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों यूपी उत्तराखंड में पेपर लीक के सरगना है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ बलिया से गिरफ्तार नीरज यादव से पूछताछ कर रही है। नीरज यादव ने व्हाट्सएप पर परीक्षा के सवालों का जवाब शेयर किया था।